तू देख तमाशा करने आई मेटाडोर की टोली, तू देख तमाशा, तू देख तमाशा, तू देख तमाशा करने आई मेटाडोर की टोली, तू देख तमाशा। स्वागत है आप सबका हमारे मेटाजोन की तरफ से, हमारे मेटाजोन के एलटीटी की तरफ से एक छोटी सी कोशिश आप सबके सामने अपने देश की कुछ कमियां लाने की, जो कुछ तो बहुत समय से हैं और कुछ ऐसी जिन पर हम इंसान अपना काबू नहीं कर पा रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान, क्या है ये स्वच्छ भारत अभियान? क्या ये हम न्यूज़पेपर की हेडिंग के लिए कर रहे हैं? नहीं। तो फिर हम एक कर क्यों रहे हैं? मैं बताती हूँ, ये हम खुद के लिए कर रहे हैं, अपने शहर के लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं। अरे बहन जी, ये सब बातें तो बस टीवी और न्यूज़पेपर में ही अच्छी लगती है। चलिए आइए, करते हैं एक रियलिटी चेक। एक रियलिटी चेक। अरे सीधा उल्टा पकड़ लो। अरे भैया क्या लिख रखा है? अरे भैया यहाँ लिखा है थूकना है। ये लोग तो अनसिविलाइज्ड हैं, इन लोगों से तो यही उम्मीद है। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ये सफाई का ध्यान रखते हैं? सुबह 6 बजे बजे। अरे बहन जी, यहाँ पे कितनी गंदगी फैला रखी है, ये सारा डेंगू मलेरिया सब इन्हीं से फैल रहा है। हाँ जी बहन जी। 7:30 बजे मैं तो रस्ते से जा रहा था, बेल पूड़ी खा रहा था, मुझे डस्टबिन नहीं मिला तो मैं क्या करूँ? ये सारे पीडब्ल्यूडी वाले पैसे लेते, डस्टबिन नहीं बना सकते। देख रहे हैं आप सब, हम गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, हम पीडब्ल्यूए वालों को ब्लेम कर रहे हैं, पर हम खुद पे कितनी जिम्मेदारी ले रहे हैं? डस्टबिन तो है बट यूज़ नहीं करते, बोर्ड्स लगवा रखे हैं पर पढ़ते नहीं हैं, जहाँ मन करता है वहाँ गंद मचाते हैं। चलो आप सबको कुछ फैक्ट्स ही गिनवा देती हूँ। एक वेबसाइट के अकॉर्डिंग हमारी इंडिया 2nd most dirtiest country है। विकीपीडिया की 100 polluted cities में से इंडिया की खुद की 29 cities आती है, और शर्म की बात तो ये है कि top 5 हमारी कंट्री की है। अब ये यहाँ खड़े हर एक इंसान से मेरा सवाल है, क्या हम सच में अपना देश स्वच्छ कर सकते हैं? चलो मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक घने जंगल में आग लगी हुई होती है, तो वहाँ रहने वाले जितने भी पशु पक्षी थे सभी अपना जंगल छोड़ के भागने लगते हैं। तभी एक छोटी सी गिलहरी नदी किनारे जाके अपनी पूंछ गीली करके उस जंगल की आग को बुझाने की कोशिश कर रही होती है। तभी पास खड़ा कौआ आके पूछता है, क्या तुम्हारी इस कोशिश से जंगल की आग बुझ जाएगी? गिलहरी बोलती है, नहीं, मेरी इस कोशिश से जंगल की आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तब मेरा नाम आग लगाने में नहीं, आग बुझाने में आएगा। तो आप सबने इस कहानी से क्या सीखा? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इस कहानी में एक छोटी सी गिलहरी जंगल की आग बुझाने की कोशिश कर सकती है, वैसे ही हम सारे देशवासी क्या अपने देश को स्वच्छ रखने की कोशिश नहीं कर सकते? बिल्कुल। हमारे भारत देश को बहुत सी बीमारियां लगी हुई हैं। ये तो हुई एक समस्या, आइए देखते हैं एक और समस्या। तू देख तमाशा, तू देख तमाशा, तू देख तमाशा करने आई मैराथन की टोली, तू देख तमाशा, तू देख तमाशा, तू देख तमाशा करने आई मैराथन की टोली, तू देख तमाशा, तू देख तमाशा। आलू ले लो भैया। आलू कैसे दिया? 10 रुपए किलो। भिंडी 20 रुपए किलो, आधा किलो। और भाई क्या हालचाल है? बढ़िया भाई, आप सुनाओ। बढ़िया भाई, बढ़िया। और भाई वो माल खड़ा देख रहा है? देख लिया भाई, देख लिया। भैया क्या बदतमीजी है? बदतमीजी आप छोड़िए, पकड़ा ही कहां है? अरे भाई कुछ देखा देखा सा लग रहा है, जाना पहचाना सा, कहीं तो देखा ही होगा, कभी टीवी पर, कभी फिल्मों पर, या फिर अपने आसपास तो देखा ही होगा। ये सब्जी वाले, तेरे सामने एक लड़की के ऊपर कोई एसिड फेंक गया और तूने कुछ नहीं किया? भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ। सोच से ही गरीब है। और ये बहन जी जो यहाँ खड़े होकर बातें कर रही हैं, आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ा? बहन जी चलते हैं। तीन लोगों की नहीं, ये गलती इन तीन लोगों की नहीं, हम सब की है।
हम सबकी आंखों पे खामोशी का पर्दा है, अब समय आ गया है उस पर्दे को हटाया जाए। तू देख तमाशा, तू देख तमाशा, तू देख तमाशा करने आई मेटाडोन की टोली, तू देख तमाशा, तू देख तमाशा, तू देख तमाशा करने आई मेटाडोन की टोली, तू देख तमाशा, तू देख तमाशा। नमस्ते देवी और कंजरो, जैसा कि आज आप सबने देखा एक लड़की में भरे बाजार में एसिड फेंक दिया जाता है और जनता खड़ी ही खड़ी देखती रह जाती है। आज रात हमारा शो रंजीत खुजलवाल के साथ ब्ला 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 न्यूज़ से, मैं साहिल। गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, आज हमारे साथ है हमारे देश के चर्चित मंत्री रंजीत खजूरवाल। तो हम रंजीत खजूरवाल से पूछना चाहेंगे कि जो इस देश में सरेआम दिन दहाड़े हमारे देश की लड़कियों के साथ हो रहा है, क्या वो सही है? देखिए जनाब, मेरे हिसाब से तो लड़कियों को घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। अरे मैडम, आपके हिसाब से लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए? निकलना चाहिए, लेकिन किसी बड़े बूढ़े के साथ निकलना चाहिए। मतलब वो अकेले नहीं निकल सकती बाहर? ये तो युगों से चलता आ रहा है। आपका मतलब क्या है? महाभारत, तू देख तमाशा, तू देख तमाशा करने आई मेटाडोन की टोली, तू देख तमाशा, तू देख तमाशा, तू देख तमाशा करने आई मेटाडोन की टोली, तू देख तमाशा, तू देख तमाशा, तू देख तमाशा। अब तुम्हारे पास क्या बचा है दांव पे लगाने के लिए? नहीं दुर्योधन, नहीं, इस जुए ने मेरा मेरे से सब कुछ छीन लिया, मेरा धन, मेरा साम्राज्य और यहाँ तक कि मेरे भाइयों को भी। अब मेरे पास और कुछ नहीं है दांव पे लगाने के लिए। भांजे, झूठ क्यों बोल रहे हो? द्रौपदी भी बाकी है। दुशासन, द्रौपदी को लेके आ जाए। अवश्य मामा श्री, अभी लाया। चलो द्रौपदी, तुम हमारी हो। दुशासन, चलो मुझे, चलो छोड़ दो। औरत हूँ या कोई गुलाम, या हूँ कोई सामान, जो दांव पे लगा दिया तुमने मेरा ही सम्मान, क्या हम औरतों का कोई वजूद नहीं? नहीं, नहीं। इस देश में आज भी औरतों को सामान या वस्तु समझा जाता है, कभी अपहरण कर लिया जाता है तो कभी दांव पे लगा दिया जाता है। क्या यही हमारे महान भारत की असली सच्चाई है? इकहत्तर साल हो गए हैं हमारी आजादी को, मगर क्या आज भी हमारा देश आजाद है? क्या हमारे देश की औरतें आजाद है? नहीं। जैसे भारतवासियों ने मिलकर सती जैसी कुप्रथा का अंत किया है, वैसे ही हम सबको मिलकर नारी के साथ हो रहे अपमान का बदला लेना ही होगा, क्योंकि एकता में ही बल है, क्योंकि एकता में ही बल है। सत्य में